Assalamu alaikum, dear students. A warm welcome to all of you in today's lesson. Today's lesson is from chapter soil, it is from uh, 7th standard science. And today we are going to learn about soil pollution and soil erosion. और टॉक अबाउट सॉइल पोल्यूशन सॉइल पोल्यूशन रेफर्स टू द कॉन्टेमिनेशन ऑफ सॉइल विद एनोमल कंसनट्रेशन ऑफ टॉक्जिक सब्सटेंसेज यानी सॉइल पोल्यूशन जो है ये जब कॉन्टेमिनेशन सॉइल का होगा जब इसमें टॉक्सिक सबस्टेंसेज मिक्स होंगे तो इसे हम सॉइल पोल्यूशन कहते हैं एंड इट इज अ सीरियस इन्वामेंटल कंसर्न सन्स इट हॉर्बोर्स मैनील्थ हज़र्स और ये मालियाती एक बहुत बड़ा थ्रेट है हमारे माहौल के लिए क्योंकि इससे बहुत सारे जो हेल्थ हज़र्स हैं या जिन्हें आप कहेंगे कि सेहत के लिए जो मुज़िर असरा हैं पैदा होते हैं एंड इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट ऑल सॉइल कम्पाउंडस दैट आर हार्मफुल टॉक्सिक टू ह्यूमन बींगस एंड अदर लिविंग ऑर्गनिज़म्स और यहाँ इस बात को समझने की ज़रूरत है कि जितने भी सॉइल्स हैं जैसे कि आपने टाइप्स ऑफ सॉइल्स में पढ़ा है तो इसमें ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो टॉक्सिक होते हैं ह्यूमंस के लिए या लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए हाउ आर द कंसनट्रेशन ऑफ सच सबस्टेंसज इन अनपोल्यूट सॉइल लो इनफ दैट दे डू नॉट पोज एनी थ्रेट टू द सराउंड एकोसिस्टम लेकिन फ़र्क इतना होता है कि टॉक्सिक सबस्टेंसिस की कंसनट्रेशन जो होती है बहुत लो होती है जो uh, अपने इको को या अपने सराउंडिंग्स को या इन लिविंग uh, ऑर्गेनिम्स को इफेक्ट नहीं कर सकते हैं उनको उनकी इनकी uh, वजह से कोई थ्रेट नहीं हो सकता है उन्हें कोई खतरा नहीं है बट वन द कंसनट्रेशन ऑफ वन आर मोर सच टॉक्सिक सबस्टेंसिज इज हाई इनफ टू कॉज डैमेज द लिविंग द दॉयल इज सेट बी कॉन्टेमिनेटेड लेकिन जब ये कंसनट्रेशन लेवल बढ़ जाए उस एक पर्टिकुलर जो उसका रेंज है उससे ऊपर हो जाए तो हम कहते हैं कि ये सॉइल जो है कंटेमिनेटेड है अब इसमें जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं या इकोसिस्टम है उससे अब इस कंसनट्रेशन से उसमें खतरा पैदा हो सकता है, है। तब अब सॉइल सॉइल पोल्यूशन कैसे होता है व द दॉयल देर आर सर्टन फैक्टर्स देर आर रिस्पॉन्सिबल फॉर पोल्यूशन ऑफ सॉइल फॉर एग्जाम्पल डंपिंग नॉन बायोडिग्रेडेबल सच एज प्लास्टिक बेगस एंड पॉलिथीन कॉज सॉइल पोल्यूशन ऐसी चीज़ों को डंप करना या ज़मीन में डाल देना जो नॉन बायोडिग्रेडेबल हो जो गले सड़े ना जैसे प्लास्टिक बैगस पॉलीथीन वगैरह है तो इससे सॉइल पोल्यूशन होता है वेस्ट प्रोडक्ट्स फ्राम इंडस्ट्रीज विच कंटेंट केमिकल्स दैट कैन द दॉयल एडवर्सली इसी तरह जो वेस्ट मेटीरियल या वेस्ट प्रोडक्ट्स इंडस्ट्रीज से फैक्ट्रीज से निकलता है उसमें ऐसे केमिकल्स होते हैं जो ज़मीन की इस कंपोजिशन को अफेक्ट करते हैं या उसमें टॉक्सिसिटी की जो है वो कंसनट्रेशन बढ़ाते हैं तो ये भी सॉइल पोल्यूशन के लिए रेस्पॉन्सिबल है एक्सेस यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स एंड पोल्यूट द सॉयल एंड डिक्रीज इट्स फर्टिलिटी इसी तरह जो हम फर्टिलाइजर्स का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं पेस्टसाइड्स का करते हैं तो इससे भी सॉइल पोल्यूशन हो जाता हो, होता है जिससे ज़मीन की फ़र्टिलिटी जो है वो डिक्रीज़ हो जाती है दियर फॉर बिफोर डम्पिंग एनी थिंग वेस्ट इन दॉयल इट मस्ट बी ट्रीटेड प्रॉपरली इसलिए कोई भी चीज़ ज़मीन में डंप करने से पहले ज़मीन में आ, उसको आ, डालने से पहले उसका प्रॉपरली ट्रीटमेंट होना चाहिए ताकि उससे सॉइल पोल्यूशन ना हो पेस्टसाइड्स एंड फर्टिलइज़र्स शुड भी यूज इन मिनिमम क्वानिटी इसी तरह आप पेस्टसाइड्स इस्तेमाल करते हैं या फर्टिलइजर्स इस्तेमाल करते हैं उनका भी एक लिमिटड यूज़ होना चाहिए मिनिमम क्वानिटी उनकी उसकी एक रेंज होनी चाहिए लॉस्टली मटीरियल लाइक प्लास्टिक शुड भी बैनड एज वी पोलूट द सॉयल एंड एफेक्ट द लिविंग ऑर्गेज एज वेल और इसका एक फाइनल जो है इसका एक सोल्यूशन दैट इज़ बैनिंग प्लास्टिक तो जिस पर बहुत सारी कैंपनेस भी चली हैं लेकिन अल्टीमेटली हम इसका इस्तेमाल कम नहीं करते हैं रोकते नहीं हैं तो उसके बाद आते हैं सोयल एरोजन पर सो द रिमूवल ऑफ लैंड सरफेस बाय वाटर विंड और आइस इज नोन एज एरोजन और सोयल एरोजन कि जब ज़मीन की जो है ऊपर सोयल की ऊपरी उपर, जो है टॉप लेयर ये बह जाए ये उतर जाए चाहे हवा की वजह से चाहे सैलाब की वजह से तो उसको सोयल एरोजन कहते हैं एज यू नो द टॉप सॉइल इज़ वेरी फर्टाइल एंड इन द एबसेंस ऑफ इट द प्लान कैन नाट ग्रो ये टॉप सॉइल जो है यही प्लाट्स जितने भी प्लाट्स ग्रो करते हैं जमीन पर उनको सपोर्ट करते हैं अगर ये टॉप सॉइल ना रहे क्योंकि ये फर्टाइल होती है ये सबसे जो होते हैं सपोर्टिंग होती है इनके लिए इन प्लान्ट uh, uh, के लिए या लिविंग ऑर्गेनज के लिए तो यहाँ प्लान्स फिर ग्रो नहीं करते हैं एंड इन एबसेंस ऑफ प्लान द सॉयल बिकम्स लूज तो अब प्लान्स नहीं है तो सॉइल लूज हो जाती है एज द प्लान्ट्स रूट्स बाइंड द सॉयल जैसे आपको मालूम है कि रूट्स का एक ये काम भी होता है कि सॉइल को बाइंड करते हैं झगड़े रखते हैं एंड सॉयल एरोजन इज़ मेनली कॉज बाय द लॉर स्केल कटिंग ऑफ फॉरेस्ट ट्रीज एंड प्लांट्स और यही सॉइल एरोजन का एक कॉज भी रहता है कि जब आप जंगलों की या प्लांट्स uh, की ज़्यादा से ज़्यादा कटाई करते हैं तो इससे जो है सॉइल एरोजन ये कॉज बनता है इसके लिए द प्रोसेस ऑफ कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज़ इज़ कॉल्ड डिफॉरेस्टेशन जब आप पेडों को या इन uh, दरख्तों को बेताशा काटते हैं या काटते हैं तो उसको डिफारस्टेशन हम कहते हैं एरोजन ऑफ सॉइल इज़ मोर सीवियर इन द एरियाज ऑफ लिटल और नो सरफेस वेजिटेशन लाइक द डेजर्ट और बायरन लैंड तो इसी तरह इसी वजह से जो डेजर्ट्स होते हैं वहाँ पर जो है ये सॉइल एरोजन विंडस की वजह से होता है या बायरन लैंड जो होते हैं जहाँ पर वेजिटेशन बिल्कुल कम हो तो यहाँ पर ज़्यादा सॉयल एरोजन का ख़तरा रहता है देआर फॉर कटिंग ऑफ ट्रीज़ एंड डिफॉरस्टेशन मस्ट बी प्रिवेंटेड इसलिए हमें चाहिए कि हम डिफॉरेस्टेशन को रोकें पौधों को कम से कम काटें द इफेक्ट ऑफ सॉइल एरोजन और फैमायनज फ्लड डेजर्टिफिकेशन एंड डैमेज और स्पॉयिज ऑफ एनवायरनमेंट इसीलिए यह सॉइल सॉइल जो है सॉइल एरोजन तो इसकी वजह से जो है फिर कहत सालियाँ होती है फ्लड्स आते हैं और डैमेज होता है पूरे एनवरमेंट को तो ये इसके जो है फिर हमारे ऊपर असरात पड़ते हैं सॉइल एरोजन की वजह से तो इसके साथ जो हमारा आज का टॉपिक है सोयल एरोजन एंड सॉयल पोल्यूशन तो ये कंप्लीट होता है और इसी के साथ हमारा ये चैप्टर भी सॉइल कंप्लीट होता है होप यू एंजॉयड दिस लेसन थैंक्स फॉर वॉचिंग